इसमें में होगा। अरे यार ये नींबू कहाँ रहता है? ये नींबू फ्रिज में था। हाँ मैं वहीं चेक करने जा रहा था। हाँ वो बात करने का मौका नहीं मिला पर माफी मांगना चाहता था। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे मन को दुखाया है, बावजूद इसके तुमने पारू को बचाया, बच्चे को बचाया। किस मुंह से मैं तुम्हारा शुक्रिया करूं अस्मिता? इतनी नेक रूह है तुम्हारी, इतनी शिद्दत से प्यार और दोस्ती कैसे निभा लेती हो बंदू? बदनसीब हूं मैं जो तुम्हें खो दिया। लायक ही नहीं हूं मैं तुम्हारे प्यार और दोस्ती की। मैं तुमसे सच कहता हूं पुचकी, उस रात मुझे पारों में तुम दिखी, वरना ये सब होता ही नहीं। मुझे माफ कर दो कि पारो के बच्चे का पिता मैं बनने वाला। मेरी गलती होकर भी ना, गलती मेरी नहीं है, प्लीज प्लीज बिलीव मी। और मेरी हो ना हो पर इस पूरी बात में उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना जो इस वक्त पारो की कोख में। वो तो बेगुनाह है ना, उसकी परवरिश में कोई बाधा क्यों आए? उस मासूम बच्चे के लिए हमारे दिल में जो प्यार है उसे मत देना शांत। तुम्हारा बच्चा है, अंश है तुम्हारा, तुम्हारे प्यार पर हक है उसका। और वो तुम्हारा बच्चा है उस नाते मेरे प्यार पर भी। हम दोनों पिता के प्यार के बिना पले हैं शांत। पठान बाबा पर आप होने में और बनने में बहुत फर्क होता है ना बोलो। क्या गुजरती होगी उस बच्चों पर जिनके सर से पिता का साया हट जाता। अब उनसे बेहतर और कौन जानता साया ना हम दोनों ने। वादा करो शास्त्र, इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से वादा करेंगे उस बच्चे को, उसके प्यार को हम कभी दूर नहीं करेंगे। हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा। बात करो। हम
शाम सर, पूजा में आपका इंतजार हो रहा है। हाँ चलो मैं आता हूँ। हमेशा तुमको चाहा और चाहा चाहा चाहा। खा लो पारो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नचनिया के तेवर इतने बदले हुए क्यों है भाई? चिकनी चुपड़ी बातें करके सबका दिल जीत कर कहीं इसका असली इरादा पारो के बच्चे को हानि पहुंचाना तो नहीं है? जीती रहो अस्मिता, बहुत अच्छी हो तुम। सारा हवन का इंतजाम किया, पारो का भी ख्याल रख रही हो, हमेशा खुश रहो। सर, आपसे कोई मैडम मिलने आई है। बुलाइए उनको अंदर। नमस्कार। कहिए। Let me introduce myself. मेरा नाम वाणी कपूर है और मैं एक क्रिमिनल लॉयर मुंबई से। नमस्कार, आइए बैठिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर अरविंदम मोजुमदार का केस रीओपन हो रहा है और ये केस मुझे असाइन किया गया। मैं मिस्टर शान मोजुमदार को डिफेंड करूंगी। आई एम हिज डिफेंस काउंसिल। अरविंदम मोजुमदार केस, और आपको किसने अपॉइंट किया है शान को डिफेंड करने के लिए? मिसेज मोजुमदार, केस और क्लाइंट वाणी को नहीं चुनते। इनफैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड। क्लाइंट और केस वाणी खुद चूज करती है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि ये केस किसने कब क्यों दिया, दैट डजंट रियली मैटर। ये केस अब मेरे हाथ में, और मुझे लगता है कि ये सारी बेकार की बातों में उलझने से अच्छा होगा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। एंड मिसेज मोजुमदार, सवाल आप नहीं पूछेंगी, मैं पूछूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि अभी क्या जरूरत है? अगर ये केस ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो जब शान की हियरिंग आएगी तब हम अपनी मर्जी का बड़ा और अच्छा वकील अपॉइंट कर लेंगे। फिलहाल हमें आपकी जरूरत नहीं। मिसेस मजुमदार, इस केस से अगर आपके बेटे को कोई बरी करवा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। सो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा कम स्ट्रेस लें और मुझे ट्रस्ट करें। ये केस बहुत पेचीदा है मिसेज मोजुमदार, सबके बस की बात नहीं है। और दूसरे लॉयर्स के पास जाकर आप अपने बेटे को इस केस में क्यों उलझाकर रखना चाहती हैं? हमारे बेटे के केस में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों? ये हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग आपस में संभाल लेंगे, है ना शान? एक्चुअली मम्मा ये एक फैमिली मैटर है, इसलिए
फैमिली मेंबर ने ही बुलाया, मैंने नहीं यहां बुलाया। आपने बुलाया? आपने बुलाया इन्हें यहां? क्या हम पूछ सकते हैं अस्मिता कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो आपने ये कदम उठाया, और वो भी बिना किसी से पूछे आपने ये फैसला लिया? अम्मा सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको इसकी जरूरत है, और मैंने बिना पूछे ये फैसला नहीं लिया। हृदय बताओ ना। मामा, मेरे हिसाब से एक करेक्ट डिसीजन। लेकिन हृदय, ये मामा, मामा प्लीज एक बार सुन तो लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। स्मिता जी, आप बताइए सबको। देखिए मामा, हम सब जानते हैं कि इस घर के लोग किसी ना किसी तरह के लीगल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कुछ बिजनेस रिलेटेड केसेस है, और पुलिस फाइल्स के मुताबिक शान और हृदय पर क्रिमिनल चार्जेस दर्ज है। केस है तो क्या हुआ? झूठे हैं सारे केसेस। हाँ, सारे केसेस झूठे हैं, तो भी ऐसे पेंडिंग केसेस की वजह से हमारी मौजूदा खानदान की रेपुटेशन खराब हो रही है। हमारी बिजनेस पर, हमारी क्लब हाउस की इमेज पर खराब असर पड़ रहा है। बेहतर होगा जितनी जल्दी हम ये केसेस सॉल्व करें और इन सबसे छुटकारा पा लें। और फिर जब हमने गुनाह किया ही नहीं है तो फिर क्यों लटकती तलवार सर पर रखे? क्यों बिना बात के सजा भुगतते रहे? क्यों हर वक्त इस डर में रहे कि पता नहीं कब कोई केस ओपन हो जाए और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाए? बेहतर है कि सब एक बार में खत्म करो और फिर रिलैक्स करो, क्यों सर? हृदय जो कह रहे हैं वो हमें ठीक लग रहा है। मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट आप लोगों को तो ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मिसेस मौजूमदार, आप सचमुच बहुत लकी हैं कि आपको इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट बहू मिली है। थैंक्स टू अस्मिता, देर आए दुरुस्त है। मुझे भी लगता है कि ये बात सही है। केस का फैसला जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा ही है ना, आखिर शान की इज्जत का सवाल है। मिस्टर शान मजुमदार, इफ यू आर रियली इनोसेंट तो मैं आपको इस केस से बाइज्जत परी करवाऊंगी, और ये मेरा आपसे वादा है। I give you my word, Mr. Mozumdar. ये तो शुरुआत है निवेदिता मौजूमदार, जल्दी आपकी रातों की नींद गायब होने वाली। शांतनु के कंधे पर बंदूक रखकर बहुत चला लिया, अब जब सवाल उठेंगे और जवाब मांगे जाएंगे, आप अपने आप को बचाने के लिए जरूर पंख फड़फड़ाएंगे। आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सब चीजों में? हमारी तो समझ के ही बाहर। हम आपकी फैमिली शुरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप शान के लिए लॉयर अरेंज कर रहे हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे शान के बारे में सोचने वाले बहुत लोग हैं। पूरी मौजूदार फैमिली है उनके साथ, उनकी अपनी पत्नी है, उनकी मासी सास है, और वो तो पॉलिटिशियन भी है, सो डोंट वरी, उनका ध्यान रख लिया जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं? आपको और कोई काम है या नहीं है? अभी अभी आपकी नई नई शादी हुई है, आप उस पर फोकस करिए ना, मेक दैट वर्क। लेकिन नहीं, उसे छोड़कर आप दोनों अपनी सारी एनर्जी इस केस पर लगा रहे हैं। मम्मा, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है दादा। हृदय, रहने दीजिए आप प्लीज। आप सिर्फ हमें इतना बताइए कि आप अपने हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। वो आप हृदय, यहाँ की चिंता मत करिए, हम सब हैंडल कर लेंगे। हम हैं ना यहाँ, आपको अपनी मम्मा पर भरोसा है ना, हम सब कर लेंगे। आप बस हनीमून के लिए जल्द से जल्द निकलेंगे। मामा, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकती।
यू आउट ऑफ योर माइंड? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपको दिख नहीं रहा कि आसपास क्या चल रहा है? एक भाई है जो आगे ही बढ़ता जा रहा है, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। मम्मा दादा है वो मेरे भाई। और अस्मिता पत्नी है आपकी। तो आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार आपकी मुलाकात आपके फादर अरिंदम मौजूमदार के साथ लंदन में हुई, जहां आप रह रहे थे, और वो वहां आपसे मिलने आए थे, करेक्ट? आपने उन्हें आखिरी बार एयरपोर्ट पे देखा जहां आप उन्हें ड्रॉप करने गए थे, am I right? जी, थैंक यू। मिस्टर मौजूमदार, मैं आपके ट्रैवल रिकॉर्ड्स देख रही हूँ। आप लंदन में काफी लंबे अरसे तक रहे, लेकिन एक बार भी वापस इंडिया नहीं आए। इसकी कोई खास वजह? जी नहीं, बस ऐसे ही। सच सच बता दो शांत, तुम्हारी मम्मा ने तुमसे जो वचन लिया है उसके बारे में बता दो इन्हें। मिस्टर मौजूमदार, रिलैक्स, मुझे आप दोनों की सच्चाई के बारे में सब कुछ पता है। इनफैक्ट इसीलिए मैंने ये केस हैंडल करने के लिए हाँ कही। ये केस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप दोनों की दोस्ती, आप दोनों के बीच का प्यार और अस्मिता की आपके प्रति श्रद्धा। इनफैक्ट आपके अतीत ने ही मुझे इस केस की तरफ खींचा, वरना कोई भी केपेबल लॉयर इतना कॉम्प्लिकेटेड केस क्यों हैंडल करेगा? कहते हैं कि अपने डॉक्टर और लॉयर से इंसान को खुलकर बात करनी चाहिए, तो मैं चाहती हूं कि आप खुलकर मुझसे बात करें। मैं और नीलांबर चाचू लंदन जा रहे थे। जाने से पहले मामा ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। वचन दीजिए हमें कि हमारी खुशी के लिए, अपने भाई की खुशी के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए आप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। हाँ, और आज भी शान किसी रीजन की वजह से जब इंडिया आया तभी उनकी मम्मा उसे उस प्रॉमिस की याद दिलाती रही, बार बार कहती रही कि उसे कोलकाता छोड़ना है। आपने हमसे 20 साल पहले वादा किया था कि आप लौट कर कभी नहीं आएंगे यहाँ। आपको ना यहाँ आने की इजाजत है और ना यहाँ कोई जरूरत है आने की, चले जाइए यहाँ से। अच्छा, तो ये सौतेली माँ के ट्रीटमेंट का केस है। देखिए, आप मेरी मम्मा पर उंगली ना उठाना तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे ये सब पसंद नहीं, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपको यहाँ अस्पताल लेकर आई और इसकी क्या राय है मेरे मम्मा को लेकर आई, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप मेरा केस लड़ना चाहती हैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपको मेरी मम्मा को इस केस में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मम्मा का मेरे पापा के केस से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें इस केस में मत इन्वॉल्व कीजिए। मिस्टर मजुमदार, अगर आप हर बात पर इतने उत्तेजित हो जाएंगे तो नुकसान आप ही का होगा। ऑनेस्टली शान, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड, चलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका केस बिल्कुल निष्पक्ष लड़ूंगी, पूरी ऑनेस्टी के साथ। लेकिन एक वादा मुझे आपसे भी चाहिए कि आप किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, सबूत के मेरिट पर विश्वास रखेंगे और मुझे मेरा काम बिना किसी अड़चन के करने देंगे। Do we have a deal? ठीक है, मैं आपको जुबान देता हूं। हे दुर्गा माँ, अपनी कृपा बनाए रखो और इस केस में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना हो।